टीवी का शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक दशक से भी ज्यादा वक्त से जनता को एंटरटेन कर रहा है। इन सालों में कई स्टार शो से जुड़े तो कई स्टार्स ने एग्जिट भी ली। शो के कई ऐसे स्टार्स हैं जिनकी एग्जिट जनता के लिए बेहद शॉकिंग रही, जिनके जाने के बाद जनता ने मोर्चा तो खोल दिया और लगातार उनके लौटने की, उनकी वापसी की मांग करते रहे। लेकिन एक एक्टर ऐसे रहे हैं जिनकी एग्जिट ऐसी रही जिससे खूब बवाल मचा और थक हार कर मेकर्स को अपने घुटने टेकने पड़े और उनकी री एंट्री दो बार शो में करवाई गई। ये एक्टर दया बैन यानी कि दिशा वकानी नहीं बल्कि गुरुचरण सिंह हैं, जिन्होंने शो में रोशन सिंह सोडी का किरदार निभाया था। आपको बता दें कि हाल ही में गुरुचरण सिंह लापता हुए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हुए एक्टर वहां पहुंचे ही नहीं, जिसके बाद उनके पिता ने पालन थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इसके बाद FIR दर्ज की और उनकी तलाश अब भी जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरुचरण सिंह ने इस शो को एक बार नहीं बल्कि दो बार ज्वाइन किया था, वो भी पब्लिक की भारी डिमांड के बाद। जहां गुरुचरण सिंह ने रोशन सिंह हरजीत सिंह सोडी का रोल निभाया था, उन्होंने इस शो को साल 2008 से 2013 और फिर 2014 से 2020 तक किया। गुरुचरण सिंह साल 2008 से 2013 तक शो का हिस्सा रहे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रोड्यूसर असित मोदी के साथ कुछ मतभेद होने के बाद उन्होंने 2013 में शो को छोड़ दिया था। गुरुचरण सिंह को पब्लिक डिमांड के बाद 2014 में दोबारा इस शो में लाया गया। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि लोग दूसरे किसी एक्टर को उनकी जगह नहीं देखना चाहते थे। गुरुचरण सिंह ने 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान शो को दोबारा अलविदा कह दिया, जिसके बाद वो कभी हिस्सा नहीं बने इस शो के। गुरुचरण सिंह ने इंटरव्यू में बताया था कि इस बार उनके शो छोड़ने का कारण पिता की तबीयत थी। उनके पिता की सर्जरी होनी थी और इसीलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। गुरुचरण सिंह को पहले लार्ड सिंह ने रिप्लेस किया था, जिसके बाद उनकी जगह बलविंदर सिंह सूरी ने ली, जिनका नाम खुद गुरुचरण ने ही सुझाया था, लेकिन एक्टर की जगह कोई ले ही नहीं पाया। जैसा प्यार उनको मिला जनता किसी और को दे ही नहीं पाई।